नाउ हाउ टू मेक ग्रुप्स ऑन के मैप. एक के मैप का कंप्लीट क्वेश्चन ये होता है कि आप गिवन एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली ये जज करें कि आप थ्री वेरिएबल या टू के वेरिएबल या फोर वेरिएबल का के मैप बनाएंगे. वो पूरा कंप्लीट आप के मैप बनाएं, उसके ऊपर मैपिंग करें, देन ग्रुपिंग करें ऑफ जो वंस आपने उसके ऊपर लेबल किए हैं के मैप के ऊपर, एंड देन अल्टीमेटली उससे सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन निकालें. स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये प्रोसीजर्स करवा रही हूँ. अभी तक मैंने आपको मैपिंग ऑफ वंस ऑन द के मैप बताए हैं, मैपिंग ऑफ वंस की एवरी पॉसिबिलिटी, स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशंस आर मैप्ड ऑन द के मैप. अगर नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करके हम मैप करेंगे, ये हर तरीके से हमने एग्जांपल्स कवर कर ली है. नाउ वी विल कवर हाउ टू मेक ग्रुप्स ऑन द के मैप. दिस इज द सेकेंड स्टेप ऑफ सॉल्विंग अ कंप्लीट क्वेश्चन ऑफ द के मैप. हाउ विल मेक द ग्रुप्स? वी विल मेक द ग्रुप्स ऑफ वंस वी हैव मैप्ड ऑन आवर के मैप. सिंप्लीफिकेशन इज द प्रोसेस दैट रिजल्ट्स इन एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग फ्यूअर पॉसिबल टर्म्स विद फ्यूएस्ट पॉसिबल लिटरल्स एज वी डिड यूजिंग बूलियन लॉज प्रीवियसली. हमने लास्ट टाइम सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस अच्छे तरीके से ये बात समझी थी कि बूलियन लॉज या बूलियन आइडेंटिटीज के थ्रू हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं. देन वी स्विच टू के मैप्स एंड वी सॉ दैट द पर्पज और द एडवांटेज ऑफ द के मैप ओवर द बूलियन लॉज और आइडेंटिटीज इज मेनली दिस कि सिंप्लीफिकेशन इज फास्टर, ईजियर एंड नॉन हैक्टिक एज कम्पेयर टू द बूलियन लॉज. आफ्टर एन एस ओ पी एक्सप्रेशन इज मैप्ड, अ मिनिमम एस ओ पी एक्सप्रेशन इज ऑब्टेन्ड बाई मेकिंग ग्रुप्स ऑफ द वंस ऑन द के मैप. वी कैन ग्रुप वंस ऑन द के मैप बाई इनक्लोजिंग द एडजेसेंट सेल्स दैट कंटेन वंस. एडजेसेंसी रूल आपको मैं बड़ी डिटेल में लास्ट लेक्चर्स में बता चुकी हूँ कि एडजेसेंट सेल्स क्या होते हैं, जिनके दरमियान वन लिटरल का फर्क हो, वो वाले सेल्स आर टू बी कंसिडर्ड वाइल मेकिंग ग्रुप्स ऑफ वंस. नाउ पॉइंट्स टू रिमेम्बर फॉर मेकिंग ग्रुप्स ऑफ वंस. अब ग्रुप ऑफ वंस हम कैसे बनाते हैं, उसकी क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक हम फॉलो करते हैं, क्या फिनोमेना हम फॉलो करते हैं. ग्रुप ऑफ वंस हम ऐसे रेंडम नहीं बना लेते. ग्रुप ऑफ वंस को बनाने के लिए देयर आर फ्यू पॉइंट्स विच वी हैव टू रिमेम्बर. पॉइंट नंबर वन इज दिस, अ ग्रुप कंटेन ईदर वन टू फोर एट और 16 सेल्स. पावर ऑफ टू के रूल पे हम वंस का ग्रुप बनाते हैं. ग्रुप का जैसे आपको मालूम है ना, एक ग्रुप में चार बंदे हों या चार स्टूडेंट्स हों या तीन स्टूडेंट्स हों या दो हों या 10 स्टूडेंट्स हो, सो उसकी एक लिमिट आपके आपके इंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं. सिमिलरली ग्रुप ऑफ वंस के मैप पे बनाना इज डिफाइंड बाई सम स्पेसिफिक रूल्स. वो रूल कौन सा होता है, हमेशा पावर ऑफ टू का रूल होता है. मीन्स पावर ऑफ टू के अकॉर्डिंगली हम एक ग्रुप में नंबर ऑफ वंस कंबाइन कर सकते हैं कि एक ग्रुप में कितने नंबर ऑफ वंस आ सकते हैं. फोर नंबर ऑफ वंस आ सकते हैं, टू वंस आ सकते हैं, थ्री वंस आ सकते हैं, सिक्स वंस आ सकते हैं, कितने वंस आ सकते हैं. सो यू हैव टू रिमेंबर के कितने नंबर ऑफ वन एक ग्रुप में आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है सिर्फ एक ही एक रूल पे, दैट इज पावर ऑफ टू का रूल. एंड पावर ऑफ टू का रूल क्या कहता है, टू रिस्ट पावर जीरो, पावर ऑफ टू का रूल है, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो इक्वल्स टू वन. एक नंबर ऑफ वन आ सकता है एक ग्रुप में. टू रेज टू द पावर वन इक्वल्स टू टू. दो नंबर ऑफ वंस आ सकते हैं एक ग्रुप में. टू रेज पावर टू इक्वल्स टू फोर नंबर ऑफ वंस आ सकते हैं एक ग्रुप में. एट नंबर ऑफ वंस आ सकते हैं एक ग्रुप में. इसी तरीके से टू रेज पावर फोर इक्वल्स टू 16 नंबर ऑफ वंस आ सकते हैं एक ग्रुप में. और आपको मालूम है 16 वुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस का एक सिंगल ग्रुप इन आवर फोर वेरिएबल के मैप, क्योंकि उसमें 16 सेल्स होते हैं. सिमिलरली टू रेज पावर थ्री, थ्री वेरिएबल के मैप में मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस का ग्रुप जो है वो 8 तक बन सकता है. एक एग्जाम्पल मैंने डिस्प्ले करवाई है उसी के पैरेलल ताकि आपको आइडिया हो सके. ये एक जेनेरिक एग्जाम्पल है, इसमें प्रॉपर ग्रुपिंग नहीं हुई हुई. मैं पहले बता दूं, मैंने सिर्फ ग्रुप्स इसलिए बनाए हैं, रैंडम ग्रुप्स बनाए हैं जस्ट ताकि आपको हर पॉइंट के पैरेलल एक एग्जाम्पल या एक अंदाज़ा हो जाए कि अच्छा हम ग्रुपिंग की जो बात कर रहे हैं व्हाट डज अ ग्रुप मीन्स. ये देखिएगा, एक अकेला वन एक ग्रुप में आ सकता है, बेशक आ सकता है, ठीक हो गया. ये देखिएगा टू इस पावर जीरो के अकॉर्डिंगली मैंने एक अकेला वन एक ग्रुप में बना दिया. दिस सर्कल, ये दिस सर्कल शोज के आई हैव मेड वन ग्रुप. टू इस पावर जीरो एक वन एक ग्रुप में आ सकता है, यस इट इज पॉसिबल. ये सिंगल वन मैंने एक ग्रुप में ले लिया. देन दिस रेक्टेंगल, ये स्क्वेयर जो मैंने यहां बनाया, दिस
शोज कि ये कितने नंबर ऑफ वंस है, 1 2 3 4, ठीक हो गया, ये 4 नंबर ऑफ वंस मैंने एक ग्रुप में बनाए हैं, ठीक है। ये एक और ग्रुप मैंने बनाया जिसमें मैंने 4 नंबर ऑफ वंस कंबाइन किए। ये देखिएगा, यहाँ मैंने बात की थी वी कैन ग्रुप नंबर ऑफ वंस ऑन द के मैप बाई क्लोजिंग द एडजेसेंट सेल्स। ये देखिएगा एडजेसेंसी रूल इसमें फॉलो हो रहा है। ये देखिए, ये एडजेसेंट है इसके, ये एडजेसेंट है इसके, ये सेल आपस में एडजेसेंट है। तो ये देखिएगा, ये 1 4 नंबर ऑफ वंस कैन बी कंबाइंड। ये देखिएगा 2 की पावर 2 पे इक्वल्स टू 4 नंबर ऑफ सेल्स कैन बी कंबाइंड इन अ सिंगल ग्रुप। ये देखिएगा, एक ग्रुप में ये आ सकते हैं। पॉइंट नंबर टू, ऑलवेज इंक्लूड लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ वंस इन अ ग्रुप। ये रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है एंड यू हैव टू रिमेंबर इट वाइल मेकिंग ग्रुप्स ऑफ वंस और जीरोज फॉर द एसओपी और पीओएस रिस्पेक्टिवली। ये बात आपने याद रखनी है कि आपने लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ वंस का ग्रुप बनाना है, मतलब एक ग्रुप में जितने ज्यादा नंबर ऑफ वंस आपस में कंबाइन हो सके, एडजेसेंट सेल आपस में एडजेसेंसी का रूल फॉलो करते हुए वो वाले वंस आपस में कंबाइन हो सके, वो वंस आपने आपस में कंबाइन करने हैं और उनको एक ग्रुप में रखना है। इसकी मिसाल ऐसी ही हो गई कि मैं एक ग्रुप में जितने स्टूडेंट्स डाल सकती हूँ उतने में डाल दूंगी, ठीक हो गया। इन अकॉर्डेंस विद पॉइंट नंबर वन, इन अकॉर्डेंस विद पॉइंट नंबर वन का मतलब क्या है, ग्रुप बनाने का तरीका मेरा पावर ऑफ टू रूल पे ही डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि मेरे पास लार्जेस्ट पॉसिबल ऑफ नंबर ऑफ वंस में अगर पावर ऑफ टू की रूल फॉलो नहीं होता तो मैं वो मैक्सिमम साइज का ग्रुप नहीं बना सकती। इसकी मिसाल मैं आपको ये दे देती हूँ। ये देखिएगा, ये 1 2 एंड 3, अब ये तीनों वन आपस में आप ये कह सकते हैं दे आर एडजेसेंट, ये दिस सेल इज एडजेसेंट टू दिस, दिस सेल इज एडजेसेंट टू दिस। तो क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है, ये तीन वंस जहां मैं इस टाइम पॉइंटर घुमा रही हूँ, ये तीन वंस आपस में कंबाइन होकर ग्रुप बन सकता है? एडजेसेंट तो है ये, लेकिन इसका क्या ग्रुप बन सकता है? इसका ग्रुप नहीं बन सकता। वजह, तीन वंस 1 2 3 ये पावर ऑफ टू की रूल पे आता ही नहीं है। थ्री थ्री नंबर ऑफ वंस, ये देखिएगा, ये नंबर ऑफ वंस लिखे हुए ना कितने कंबाइन हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू पावर ऑफ टू के रूल पे, तो पावर ऑफ टू के रूल में कहीं भी 3 नंबर ऑफ सेल्स मेंशन ही नहीं है। 1 2 4 8 16 अकॉर्डिंग टू द पावर ऑफ टू के रूल पे है, स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो, ठीक हो गया। सो ये थ्री वंस, देखिएगा थ्री वंस का ग्रुप बन ही नहीं सकता, ठीक हो गया। लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप इसमें इस टाइम क्या है इस एग्जाम्पल में, ये देखिएगा लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप ये 4 का बन सकता है। इसमें एडजेसेंट सेल्स भी आपस में, नेबर्स सेल आपस में कंबाइन कर रहे हैं वंस, बिल्कुल सही है। 1 2 3 4 नंबर ऑफ वंस एक ग्रुप में लिखे हुए हैं और ये पावर ऑफ टू के रूल पे है। ये देखिएगा, पावर ऑफ टू के रूल के अकॉर्डिंगली 4 नंबर ऑफ वंस कैन बी इन अ सिंगल ग्रुप और ये चीज़ फुलफिल हो रही है। सो यू हैव टू मेक लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ वंस ग्रुप इन अकॉर्डेंस विद पॉइंट नंबर वन विच इज पावर ऑफ टू का रूल फॉलो वो तब भी करता हो। थर्ड पॉइंट इज ईच वन ऑन द मैप मस्ट बी इंक्लूडेड इन एटलीस्ट वन ग्रुप। हर वन जो मैप पे है वो एटलीस्ट एक ग्रुप में मौजूद होना जरूरी है। द वंस ऑलरेडी इन अ ग्रुप कैन बी इंक्लूडेड इन अदर ग्रुप एज लॉन्ग एज ओवरलैपिंग ग्रुप्स इंक्लूडेड नॉन कॉमन वंस। नॉन कॉमन वन क्या होता है? नॉन कॉमन वन वो होता है जो किसी ग्रुप में कंबाइन ना हुआ हो, अकेला रह गया हो, उसे कहते हैं नॉन कॉमन वन। थर्ड पॉइंट क्या बता रहा है, बट वाइल कवरिंग द नॉन कॉमन वन अगेन फॉलो द पॉइंट नंबर टू का रूल विच इज लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप आपने बनाना है और पॉइंट नंबर टू अगेन इन अकॉर्डेंस विद पॉइंट नंबर वन। ये तीनों पॉइंट्स आपने एट अ टाइम रिमेंबर रखने हैं, ये तीनों पॉइंट्स आपने ग्रुपिंग करते हुए जहन में रखने हैं। दीज थ्री पॉइंट्स हैव द सेम इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब ओवरलैपिंग की बात क्या होती है, ओवरलैपिंग क्या होता है? ओवरलैपिंग होता है किसी चीज को दोबारा इस्तेमाल करना। मैं आपको यहां शो कर देती हूँ ओवरलैपिंग की एग्जांपल। ये एक वन आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वन किसी भी ग्रुप में नहीं इंक्लूड हुआ हुआ, दिस इज नोन एज नॉन कॉमन वन विच इज लेफ्ट अलोन। ये नॉन कॉमन वन है, ये किसी ग्रुप में मौजूद नहीं है। और ये वाला वन जो सेल नंबर 3 का वन है, ये ऑलरेडी इस वाले ग्रुप में मौजूद है। अब इफ आई विल री यूज दिस वन टू मेक अ ग्रुप विद दिस नॉन कॉमन वन, सो दिस प्रोसेस इज ओवरलैपिंग, ठीक हो गया, दिस प्रोसेस इज ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग कैसे हुई, ये सेल नंबर 3 ऑलरेडी एक ग्रुप में था, मैंने उसको री यूज किया टू कंबाइन विद दिस नॉन कॉमन वन विच वॉज लेफ्ट अलोन टू मेक अ ग्रुप ऑफ टू वंस। अब
थ्री वंस का ग्रुप नहीं बन सकता था, लार्जेस्ट वंस अगर पॉसिबल वंस में कवर करती तो थ्री का नहीं बन सकता था। उसकी रीजन, टू की पावर में कहीं भी थ्री नंबर ऑफ सेल्स है ही नहीं, टू की पावर में सिर्फ ये नंबर ऑफ वंस कैन बी कंबाइंड इन अ सिंगल ग्रुप। सो दो का वंस का ग्रुप बन सकता था, ठीक है, ये मैंने आपस में कंबाइन कर लिया, सेल नंबर थ्री ऑलरेडी इन अ ग्रुप एंड रीज्वाइन विद सेल नंबर वन टू फॉर्म एन अदर ग्रुप। अब ये एक और ग्रुप बन गया, बेशक बन सकता है, यही मेरा पॉइंट नंबर थ्री एक्सप्लेन कर रहा है बात, कि अगर कोई नॉन कॉमन वन हो, अकेला रह गया हो और वो अपने साथ ऐसे वन के साथ ग्रुप बना सके जो ऑलरेडी किसी ग्रुप ग्रुप में मौजूद है, ओवरलैपिंग हो सकती है, लेकिन इन अकॉर्डेंस विद पॉइंट नंबर टू के लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ वंस कवर्ड हो, एंड पॉइंट नंबर टू इज ऑल्सो इन अकॉर्डेंस विद पॉइंट नंबर वन के हमारे पास पावर ऑफ टू के रूल के अकॉर्डिंगली ही वंस कंबाइन हो सकते हैं। इसी तरीके से एडजेसेंट सेल्स के रूल में अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंगली दी सेल्स आर आल्सो एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब सेल नंबर सिक्स, ये देखिएगा रैप अराउंड एडजेसेंसी रूल आपको याद होगी, ये इस फोर नंबर ऑफ सेल के साथ अपना ग्रुप बना सकता है अकॉर्डिंग टू द रैप अराउंड एडजेसेंसी। ये ग्रुपिंग मैंने आपको सिर्फ रैंडमली शो की है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हाउ आर द पॉसिबिलिटीज और हाउ आर द पॉसिबल वेज टू मेक ग्रुप्स ऑफ वंस। अब हम एग्जाम्पल्स, प्रॉपर एग्जाम्पल्स के थ्रू प्रॉपर ग्रुपिंग करना सीख लेते हैं। आपको इन इस एग्जाम्पल से एक अंदाजा हो गया है कि वट दीज थ्री पॉइंट्स मीन, हाउ टू मेक ग्रुप्स ऑफ वंस। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द क्वेश्चन विच इज गिवन टू यू। मैं एक प्रीवियस एग्जाम्पल्स जो मैंने अभी आपको मैपिंग ऑफ वंस करवाई है उन्हीं में से एग्जाम्पल्स उठा रही हूँ और उसी की ग्रुपिंग में आपको शो कर रही हूँ। ये देखिएगा, ये एग्जाम्पल हमने पीछे की थी मैपिंग ऑफ वंस की। अब इसमें ग्रुप ऑफ वंस कैसे बन सकते हैं, पॉइंट तीन पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। पावर ऑफ टू के रूल के अकॉर्डिंगली आपका ग्रुप नंबर ऑफ वंस एक ग्रुप में आ सकता है। दूसरा पॉइंट ये था कि लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप आपने बनाना है। लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप का मतलब है जितने ज्यादा नंबर ऑफ वन एक ग्रुप में आ सके, लेकिन पावर ऑफ टू के रूल के अकॉर्डिंगली। और तीसरा ये था ओवरलैपिंग इज अलाउड अगर कोई अकेला वन बच जाता है। ठीक हो गया, सबसे पहले मेरा ग्रुप बन जाता है जी। ये मैंने थ्री पॉइंट्स यहाँ भी येलो हाई बॉक्स में लिख दिए ताकि आपको रिकॉल करने में ईजी हो जाए। सबसे पहला मेरा ग्रुप है ये, आई लेबल्ड इट एज ग्रुप नंबर वन। वन टू थ्री फोर वंस मैंने एक ग्रुप में कंबाइन कर दिया पावर ऑफ टू के रूल के अकॉर्डिंगली, टू रेज पावर टू इक्वल्स टू फोर, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस का ग्रुप फोर का बन सकता है। बेशक मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस में ग्रुप फोर का बन सकता है। देखिए, एट वंस कंबाइन नहीं हो सकते। इफ इट इज अ थ्री वेरिएबल केम ऐप, तो सबसे पहले एट वंस कंबाइन हो सकते थे एक ग्रुप में। अगर यहाँ और यहाँ वन होता तो ये पूरा एट वंस का ग्रुप बन जाता, लेकिन यहाँ और यहाँ वन नहीं है। ठीक हो गया, सो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी मेरे पास क्या बचती है, ये चार वंस आपस में कंबाइन हो सकते हैं जी, एक ग्रुप में ये कंबाइन हो सकते हैं। ये देखिए, ये आपस में कंबाइन हो गए। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी दूसरे ग्रुप की मेरी क्या बन सकती है, ये दिस ब्राउन कलर इज माई सेकेंड ग्रुप। एक दो ये वंस ऑलरेडी किसी ग्रुप में मौजूद थे, लेकिन मैंने अभी आपको बताया ये दो नॉन कॉमन वन थे जो किसी ग्रुप में मौजूद नहीं थे। सो मैंने ओवरलैपिंग करते हुए इन दो वंस को दोबारा यूज किया ताकि ये मेरे नॉन कॉमन वन के साथ ग्रुप बना सके, एंड एक सेकेंड ग्रुप बन गया जो के विच इज फॉलोइंग माई रूल नंबर टू, विच मीन्स लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ वंस। अभी भी मैंने चार नंबर ऑफ वंस कंबाइन कर सकती थी, मैंने चार कंबाइन कर लिया। मैंने इन दो का अकेला ग्रुप नहीं बनाया, मैं इन दो वंस का, मैंने नॉन कॉमन वंस, अब एक एक आपको ये भी अंदाजा हो गया होगा इस चीज का कि ये दो वन अकेले बच रहे थे। टू रेज टू पावर वन इक्वल्स टू टू नंबर ऑफ वंस कैन बी कंबाइंड इन अ सिंगल सेल, पावर ऑफ टू का रूल भी फॉलो होता था, लेकिन मैंने आपको जैसा कि बताया कि तीनों पॉइंट्स की इंपॉर्टेंस एक जैसी है कि आपने टू की पावर पे बनाना है, बेशक बनाना है, लेकिन ये दो नंबर ऑफ वंस अगर आपस में कंबाइन हो जाते तो ये स्मॉल नंबर ऑफ वंस होते, ये लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप ना बनता। लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप मेरा बन सकता था, ओवरलैपिंग हो रही थी, कोई बात नहीं, ओवरलैपिंग अलाउड है अगर मेरे पास नॉन कॉमन वन बचाओ। ये देखिए नॉन कॉमन वन थे, ये किसी ग्रुप में नहीं थे, तो मैंने इन दो को आपस में बनाने के बजाय इनको यूटिलाइज करते हुए लार्जेस्ट पॉसिबल का ग्रुप बनाया एंड ओवरलैपिंग भी फुलफिल कर ली। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लेते हैं थ्री वेरिएबल के मैप की। यहां वंस मैप ऑलरेडी हो चुके हैं, पिछली एग्जांपल में मैंने आपको शो किए हुए हैं। दिस इज माय ग्रुप नंबर वन, ठीक हो गया, ये दो वंस आपस में कंबाइन हो गए, दिस इज माय ग्रुप नंबर वन। सेकेंड ग्रुप, दिस कुड बी माई सेकेंड ग्रुप, येस, दो नंबर ऑफ वंस इसमें मैक्सिमम कंबाइन हो सकते हैं, दिस इज माई सेकेंड ग्रुप, आई हैव लेबल इट ग्रुप नंबर टू। नाउ माई थर्ड ग्रुप, थर्ड ग्रुप की दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं।